स्टूडेंट्स और यू आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन ऑल हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। वो आज का जो प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल में किस तरह से आप स्टेप कर सकते हो वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। टाइम कम है बट आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस तरह से आपको फिजिक्स के लिए भी बना दूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए क्रिएट कर दूंगा एंड आपका मैथमेटिक्स के लिए क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के लिए आपका मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो इस वे में आप फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकल क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि जो टर्म वन है टर्म वन में आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जब भी मेरे से स्टूडेंट मिलता है तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है उसका वन मार्क्स भी काफी मैटर करता है ना, वन मार्क्स भी काफी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स आपके हैंड में होता है, ठीक है। ये मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको लूज नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको सीरियस होना होता है, थोड़ा सा आपके कुछ थियरीज को फॉलो करने होते हैं तो आपको इजीली वो मार्क्स आप गेन कर सकते हो, तो कोई उसमें बड़ी सी डील नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार आपके पास टर्म वन में आपके सिलेबस 50% आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि 50% के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी तरीके से आपके 50% प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। 50% प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल आपका थोड़ा सा टफ हो गया है कंपेयर टू अदर ईयर्स जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस आता था, ठीक है, कंप्लीट 100% सिलेबस आता था। क्यों? वो बात अभी आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आपका कंप्लीट सिलेबस आता था उस टाइम पर आपको 4 प्रैक्टिकल करने होते थे, ठीक है, 3 आवर्स का टाइम मिलता था आपको, ठीक है। अब आपको अभी भी 4 प्रैक्टिकल करने हैं लेकिन आपका टाइम कम हो गया, 1.5 आवर्स हो गया, ठीक है ना। तो पहला आपको डिफिकल्टी यहाँ पर फेस करनी है, इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करनी है ना। तो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें होगी आपको, ठीक है। अब आप कैसे अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है, कैसे किस तरीके से आपको अपने मार्क्स को फॉलो अप करने, वो चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका 35 मार्क्स का अब आपका पेपर हो गया, ठीक है ना। पहले यही पेपर आपका कितना था, 70 मार्क्स का था, ठीक है, 70 मार्क्स का था। तो अब यहाँ पर आपके पास 15 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल हो गया। 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। 50 मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो 50 मार्क्स में से आपको क्या करना है, आपको 4 प्रैक्टिकल अब करने हैं, ठीक है, 4 प्रैक्टिकल करने हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लो, 4 प्रैक्टिकल इंटू 2 कर लो, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए 8 मार्क्स, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिकल अगर आप रिजल्ट आप ले आते हो तो आपके 8 मार्क्स यहाँ से आपके हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। प्लस का 2 मार्क्स आप जो फाइल है, फाइल थोड़ा सा कॉस्टली बनाओ, ठीक है, उससे इंप्रेशन बनता है आपका, और 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं फाइल के। आप ऐसे कह सकते हो कवर लेटर की तरह, है ना, जैसे आप कवर लेटर को देख करके आपके मार्क्स मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा सस्ता के चक्कर में आप दो नंबर की जगह 1 नंबर आप गवा मत देना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया है ना। तो अब कितने हो गए आपके, 10 मार्क्स पेपर हो गए, है ना, 10 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब बच्चे कितने आपके, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपका किस पे होगा, वाइवा पे, जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर होगा। तो 5 मार्क्स के लिए आपको, उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर करने होंगे, जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल के ओरिएंटेड आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लोगे, अच्छे से तैयारी कर लोगे, तो 3-4 आवर्स अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपके 5 out of 5 मार्क्स वहां से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ से आपके आगे 15 मार्क्स, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में भी फॉलो अप करने हैं, मैथमेटिक्स में भी फॉलो करने हैं। तो मैं केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बना दूंगा, ठीक है, सीरीज, और मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल सीरीज बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप फिजिक्स के लिए ओवरव्यू देखो कि किस तरीके से आप जो फाइल बनाओगे उसमें किस तरीके से फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इंडेक्स पे आपके जो सब्जेक्ट टीचर उसका साइन होना चाहिए, ठीक है, डेट मेंशन होना चाहिए और आपके सारे एक्सपेरिमेंट मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे देख लो, ठीक है, अब की बार सिलेबस आपका क्या है, 50% है ना। तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले सेशन में बता रखा है, नहीं पता है तो आप सीबीएसई के सिलेबस को एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलने हैं। तो अब जैसे डिटरमाइन रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर और गिवन वायर करना है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। डिटरमाइन रेसिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, ये भी अब की बार आपके सिलेबस में, ये भी आप करोगे, ठीक है। टू वेरीफाई लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन यूजिंग मीटर ब्रिज, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो
आपको सिलेबस का ध्यान रखते हुए फिर आप उस अकॉर्डिंग आप अपना मेंटल कंडीशन बना सकते हो, जिस चीज के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके तरफ आप बढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे फोर्थ पे देख लो कि इसमें आपको क्या करना है कि वेरीफाई करना है लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, यूजिंग मीटर ब्रिज, तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, और अब फिफ्थ में देख लो कि आपको कंपेयर करना है ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये बहुत आसान होता है, ठीक है, इसमें पूरा आपको थ्योरी है, तो ये अगर आप ये तो करना ही करना है, समझ लो ना मेरे, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर आप टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो ये भी आप कर लो, ठीक है। तो आपको करने हैं फोर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो ये तो मैंने पूरा जो पहले एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसमें से आप कोई फोर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। अब जैसे टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मीटर, ठीक है। तो अब आप देख लो आप किस चीज के साथ कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। तो आप अपने आप को देखो, ठीक है, आप अपने ये नहीं देखना कि आपका ये फ्रेंड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आपको ये करना है, ठीक है। आप जिस चीज के साथ कंफर्टेबल हो आप अपना देखो, ठीक है। अब जैसे एट में तो फाइंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो वो आप कर लो, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए, ये कर सकते हो। और कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, ये दोनों के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं बट दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर मैंने आपको 10 एक्सपेरिमेंट करे, इसी में से कोई भी फोर कर लेना, आप समझ रहे हो ना। हाँ, इंडेक्स को अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है ना, इंडेक्स को आप अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, आप एसी पढ़ रहे होगे, है ना, तो आपको एसी इस टर्म में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये जो आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इधर जो है ये अभी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अभी ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो वो आप सेकेंड टर्म के लिए अभी आप बचा के रखो, ठीक है ना, वो आप सेकेंड टर्म में वो आपको करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो उसके बाद मतलब मेनली आप फोर एक्सपेरिमेंट में फोकस करो, फोर एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली इंडेक्स में मेंटेन करना, ठीक है, और पेज नंबर भी मेंटेन करना कि कौन से पेज नंबर पे आपका कहाँ पर क्या है, वो चीज आप मेंटेन कर लो। और फिर उसके जैसे ही आप मेंटेन करते हो उसे आप क्या करो, कोई भी फोर एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली कर लो, ठीक है, एक बार एनालाइज करो, ठीक है। एक बार आप क्या करो ना, जो मैनुअल आप परचेज करोगे ना तो उसको पढ़ो, ठीक है ना, 2-3 घंटे पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो आप किस एक्सपेरिमेंट के साथ कंफर्टेबल हो। अब जब आप एक्सपेरिमेंट से कंफर्टेबल हो जाओगे ना फिर आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हवा में उड़ा दोगे, समझ लो ना, तो आपको क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है, ठीक है। ये 15 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपको चाहिए, है ना, हर हाल में आपकी 15 में से 15 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक्स प्रोसीजर बता देता हूँ कि आप जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल मेंशन करोगे तो आप किस तरीके से स्टेप्स को मेंशन करोगे, ठीक है। तो आप पहले एम कर लेना, ठीक है, एम पहला आपको लिखा होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ टू डिटरमाइन रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर गिवन हुआ है, ओके, जो बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, वर्सेस करंट, ओके, डेल्टा पी वर्सेस आई का आप दिखा रहे हो। अब आप डायग्राम बताओ, डायग्राम में प्रॉपरली अच्छे से सब कुछ दिखाओ, रेसिस्टेंस दिखाओ, वोल्ट मीटर दिखाओ, ठीक है, तो सब कुछ आपको अच्छे से दिखाओ, अमीटर बैटरी को मेंशन करो, ठीक है। तो डायग्राम और एम हो गया आपका, समझ में आसान आसान लग रहा है ना आपको, है ना, ठीक है ना, इसी के लिए आपको परेशान होते रहते हो, ठीक है। अब देखो ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट पेज नंबर और एक्सपेरिमेंट नंबर ये लिखना जरूरी है। ये जो सस्ते वाले लिख खरीदोगे ना उसमें नहीं होता है ना, थोड़ा महंगे वाले खरीदोगे ना उसमें लिखे होते हैं, तो उस इससे इंप्रेशन बनता है आपका, ठीक है ना। तो अब आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो अपरेटस आपको मेंशन करने हैं, है ना, कि आपको 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर का लॉन्ग रेसिस्टेंस का वायर चाहिए वो आप मेंशन करो, ठीक है ना। वोल्ट मीटर चाहिए आपको, अमीटर चाहिए तो अमीटर आपको, एसी चाहिए, डीसी चाहिए, ठीक है, रियोस्टेट चाहिए, प्लग की चाहिए, की को मेंशन करो आप, ठीक है ना, कनेक्टिंग वायर चाहिए, है ना, आपको सैंड पेपर चाहिए, कुछ ही मेंशन करो। अब थियरी है, थियरी तो आप हवा में उड़ा दोगे, अरे थियोरी को आपको हवा में उड़ाना है ना, थियोरी कोई भी एक्सपेरिमेंट का ना हवा में उड़ाना, समझ लो। तो थियोरी आप जानते भी हो तो थियोरी को आप प्रॉपरली लिखो, जो थियोरी क्लासरूम प्रोग्राम में आपको पढ़ाया गया है वही थियोरी आपको अच्छे से लिखना होता है ना, तो कुछ उसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपको, ठीक है ना। थियोरी जैसे ही आपका तैयार हो गया, ठीक है ना, थियोरी अब आपको पता है क्या हो गया, है ना, अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट जब करो तो अब आपको टेबल बनाने है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन टेबल होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन टेबल होता है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना ये आपका खुद का एक्सपेरिमेंट का होना चाहिए, है ना। तो आप कहोगे कि सर खुद का होना जरूरी है क्या, हम 10 का अगर टीम है हमारा, 5 का टीम है, तो चलो 5 का टीम में से 5 का सेम हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है ना, लेकिन अगर खुद का अगर आपका ऑब्जर्वेशन होगा तो आपके फायदा में जो क्वेश्चन किया जाएगा तो आप हवा में, समझ में आ रहा है।
ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना ओके बहुत ही आसान है। आप सिंपल से जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो रीडिंग को आपको लिखना होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। अगर एरर आ रहा है तो एरर के साथ लिखो ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, अपने दिमाग लगा के कभी भी ऑब्जर्वेशन टेबल को एक्यूरेट आपको नहीं लिखना। समझ में आ रहा है मेरी बात है ना? आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो है ना, और आप 12th स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो है ना, एरर तो आएगा ही आएगा, 20% एरर भी आ रहा है ना, फिर भी आप उसी ऑब्जर्वेशन को अपने टेबल में लिखोगे आप, और एरर को मेंशन करोगे है ना। वो मैं आपको बताऊंगा एरर को किस तरह से मेंशन करना है ना। आप इस चक्कर में मत पड़ना कि सर मेरे को तो 100% एक्यूरेट डेटा लिखना है। अरे 100% एक्यूरेट डेटा आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 12th स्टैंडर्ड पे क्रिएट करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट को कम से कम 10 times करना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उस चीजों को आप मेंशन करो, ठीक है। तो एरर होनी अच्छी बात है एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन टेबल में, ओके एरर होनी अच्छी बात है। फिर आपको ये चीज मेंशन करने है कि जो आपने टेबल ऑब्जर्व किया, जो आपने टेबल क्रिएट किया, उस टेबल में आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है ना। और ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में आपको मेंशन करना है कि 3-4 चीजें आपको मेंशन करना है, ठीक है ना, कि रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या मेंशन कर रहे हो, ठीक है, लिस्ट काउंट आप ओके मेंशन कर दो, ठीक है ना, एरर ओके ना, एरर एरर आपको रखना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। ये नहीं कि अरे सर हम तो एरर है ना, एरर हमें मेंटेन करना है ना, समझ रहे हो। तो वो चीजें हैं, जब ये चीजें अगर आप मेंटेन कर देते हो तो लास्ट में अब आपके पास क्या आता है, वो चीज बचती है, एक तो लिमिटेशन बचती है आपके पास, और एक क्या बचेगा आपके पास, करेक्शन बचेगा, है ना, करेक्शन कि आप क्या करेक्ट करना चाहते हो, है ना। तो वो चीजें आपको प्रॉपरली जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस चीजों को आप मेंशन करो। फिर जब आप कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं, वो न्यूमेरिकल है ना, कैलकुलेशन में आसान है, कुछ भी नहीं, वो आराम से कर लोगे आप। फिर प्रीकॉशंस है ना, प्रीकॉशंस सबके सिमिलर होते हैं, जितने भी ओके बनेंगे मैन हो सबके सेम प्रीकॉशंस होते हैं। तो वही प्रीकॉशंस जो आप ओके 11th क्लास में किए हो, वही प्रीकॉशंस आपको 12th में भी लिखना है ना। उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो अब आपका काम हो चुका है, अब आपको रिजल्ट मेंशन करना है, ठीक है ना। रिजल्ट भी 90% सबके सेम होते हैं, है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आप कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। तो अब आपको पूरा अच्छे से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, अब आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी कर लो तो फिर आपके पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ओके आप ओके मैं बाकी 3-4 एक्सपेरिमेंट और दिखा देता हूँ, ऑब्जर्व कर लो इस तरीके से, ठीक है। दे फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ गिवन बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाने हैं, मीटर ब्रिज का आपको अच्छे से आते हैं, मीटर ब्रिज के थ्योरी आपको मेंशन करनी, ठीक है। फिर जैसे एम आप उसी तरह देखो मेंशन करना है, एपरेटस मेंटेन करना आपको है ना, थ्योरी आपको आता है, थ्योरी मेंशन करना है, ठीक है। ये डायग्राम ओके फिगर, फिगर आप थ्योरी में मेंशन कर सकते हो, एम के नीचे भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिगर बनाने आपको है ना पूरे अच्छे से आना चाहिए फिगर बनाने के लिए, थ्योरी तो आपको आएगा नहीं आएगा, तभी तो आप एक्सपेरिमेंट करने आए हो ना, है ना, ठीक है। फिर अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर देखो यहाँ खाली है, तो वो आपको मेंशन करना है, पेज नंबर हर जगह मेंशन करना है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो अननोन रेसिस्टेंस में आप फिर ओके यहाँ पर आप चौक को मेंशन करोगे, तो चौक को डायग्राम के थ्रू दिखा दो, और फिर आपके पास क्या हो गया, अगर दूसरे फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहते हो स्क्रीन पर, तो फिर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में जो मेन क्या आपके पास एल बाई 100-L वो सबका ओके ऑब्जर्वेशन टेबल इस वाले एक्सपेरिमेंट में सबका सेम आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होती है। फिर आप ओके इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो दिखा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लास्ट में एरर जो आपने क्या एरर आया आप उस चीज को मेंशन करो, ठीक है ना, और क्या क्या प्रीकॉशंस के लिए सब पूरे क्लास का आपका सेम होगा, प्रीकॉशंस में कोई नहीं है। सोर्सेस ऑफ एरर दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूँ ना, है ना, उसको बैवा के लिए आप तैयार कर लेना, मैनुअल तो आप बना ही लोगे, है ना, पूरे क्लास हो जाते हैं जब आपको मैनुअल बनाना होता है ना, तो वो चीजें आपको नहीं लेना है ना। आप इंडिया में किसी भी स्कूल में कहीं पे बैठे हुए हो, ठीक है, इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 100% मार्क्स के प्रैक्टिकल में मिलता है। और फिजिक्स का 15 मार्क्स अमृत है दोस्तों, समझ में मिलता है ना, 15 में अगर आपको 12 मिल रहा है ना, 10 मिल रहा है ना, प्लीज समझो आपने बहुत बड़ी चीजें गवा दिया है ना। 15
आपको हर हाल में लेना, इसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़े। मैं तो कहता हूँ अगर आपको समझो बात दोस्तों, 2 दिन लगातार भी मेहनत करके अगर 50 में 15 आ रहा था, अरे आपके पैकेज में 15 है ना, अरे समझ रहे हो मेरी बात को, तो 35 में उधर कम भी आएगा तो चलेगा ना, आपका परसेंटेज मेंटेन होगा ना, अरे फिजिक्स है, हवा में उड़ाना है ना, समझो बात को, है ना। अब जैसे ये देखो यहाँ पर कि आपको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस, ये तो आसान है, मैंने आपको बताया था, ये आसानी से एक्सपेरिमेंट आप बता सकते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उसको आप वहाँ से देख लेना, फिर उस तरह से थियरी पैरेलल सीरीज करो, अरे करो करो, है ना। हाँ अरे हवा हो रहा है ना, इतने आसान है, इसके लिए आप लोग परेशान रहते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, दो तीन ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, दो तीन फॉल्स एक्सपेरिमेंट करो, उसको डेटा रफ में लिखो, है ना, फिर फाइनल करो, है ना। तो ये चीजें करोगे तो फिर आपको मजा आएगा, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इस चीज का आप मेंशन करना, ठीक है ना। तो आप ऐसा करना, 2 करंट का एक्सपेरिमेंट कर लो, 1 मैग्नेट का कर लो, 1 AC का कर लो, आप 3 करंट का कर लो, 1 AC का कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, आप किस चीज के साथ कंफर्टेबल हो, है ना। तो वो सारी चीजें आप प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो आपकी ये मार्क्स आपके हाथ में है दोस्तों। ये मार्क्स में क्या होता है ना, 15 मार्क्स की इम्पोर्टेंस आप समझो, है ना। मैं कह रहा हूँ, है ना, मार्क्स तुम्हारा है, कह मैं रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो ना। अरे I=DR+R, ये सब थ्योरी हवा में उड़ाने आता तुम्हें बताओ, है ना। ऑब्जेक्शन टेबल आराम से उड़ा दो, है ना। तो अब मैं एक एक करके सारे एक्सपीरियंस बताता रहूँ तो फिर 3-4 घंटे की मेरी सेशन चली जाएगी, है ना। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल रहा होगा, ठीक है। मैं केमिस्ट्री का भी बना दूंगा, ठीक है, मैथमेटिक्स का भी बना दूंगा, ठीक है, एंड बायोलॉजी का भी बना दूंगा मैं आपको, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाकी आप अपना काम प्रॉपरली करो, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया कि आपको क्या करना है, 3-4 आवर्स पहले सारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ो, है ना, सेल्फ स्टडी करो 3-4 आवर्स, उसके बाद लैब में घुसो और लैब में आप अपना टेबल बनाओ, ठीक है ना। 10-10 का ओके ग्रुप बना लो, 7-7 का ग्रुप बना लो और ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, ठीक है। कम से कम देखो 3 एक्सपेरिमेंट का तो अच्छे से बना लेना ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक में थोड़ा बहुत चलेगा, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। और मैंने सबसे बड़ी बात क्या बोला आपको, अरे देखो ये बात मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले क्या 3 घंटे में पहले आपको 4 एक्सपेरिमेंट करना होगा, समझ रहे हो, पहले 4 एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक है। अब आपको 1.5 आवर्स में 4 एक्सपेरिमेंट करना है ना, प्लस का 3 एक्टिविटी भी आपको ऑब्जर्व करना है ना, अरे समझ रहे हो, 3 एक्टिविटी आपको ऑब्जर्व करने हैं। ये एक्टिविटी आपके जो टीचर हैं वो आपको देंगे, उसको ऑब्जर्व करके फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं किस लेवल की बातें करना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो 3 एक्टिविटी में आप पूरा कर लो, हर बच्चा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 8 मार्क्स ओके, प्लस का 2 मार्क्स फाइल थोड़ा सा अच्छा खरीद लेना, और 5 मार्क्स आपके भाई रहा दादा का PDF में शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लेना, आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, है ना दोस्तों। तो अभी मैं इतना रखता हूँ, है ना, फिर